स्वागत है और आप देख रहे हैं आज की न्यूज। जैसे चुनाव का दौर आता है वैसे उम्मीदवारों के पार्टियों से दल बदल होना शुरू हो जाता है। किसी उम्मीदवार को उसकी पार्टी टिकट ना दे तो वो उम्मीदवार ये पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। ऐसा ही कुछ नज़ारा पूरे भारत में नज़र आ रहा है और महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा नज़ारा नज़र आ रहा है। भाजपा सेना की युति हुई, कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में युति हुई और MIM वो वंचित अगाड़ी की युति हुई। भाजपा सेना के उम्मीदवार को लेकर तनाव था लेकिन कुछ दिन पहले ही शिवसेना के हिंगोली लोकसभा के हेमंत पाटिल को उम्मीदवारी दी गई। उसके बाद वंचित अगाड़ी के फत्तू राठौड़ को हिंगोली लोकसभा की उम्मीदवारी दी गई। अब कांग्रेस के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। हिंगोली के खासदार राजू सातो नहीं लड़ने वाले ऐसी चर्चाएं बहुत जोरों पर थी। राजू सातो पर गुजरात की जिम्मेदारी होने से वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे ऐसी चर्चाएं बहुत जोरों पर थी। उसके बाद शिवसेना के माजी खासदार सुभाष वानखड़े जो शिवसेना छोड़कर भाजपा में चले गए थे, भाजपा शिवसेना के हेमंत पाटिल का नाम आते ही सुभाष वानखड़े भाजपा छोड़कर अब वो कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया और आखिर हिंगोली के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुभाष वानखड़े को उम्मीदवारी मिल गई। कल रात कांग्रेस पार्टी ने सुभाष वानखड़े का नाम जाहिर किया। ऐसे लोगों की चर्चाएं थी कि हिंगोली लोकसभा के लिए कांग्रेस अपने उम्मीदवार को उतारना भूल गई। बाद में हिंगोली लोकसभा के लिए सुभाष वानखड़े का नाम जाहिर किया गया। अब हिंगोली लोकसभा में दो शेरों की टक्कर होने वाली है। देखना है कि किस शेर में कितनी ताकत है जो एक शेर को मात करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। और एक खबर सामने आ रही है जो औरंगाबाद के आमदार अब्दुल सत्तार, उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं देने से वो कांग्रेस पार्टी को राजीनामा देकर भाजपा में प्रवेश किया, ऐसी चर्चाएं बहुत जोरों पर नजर आ रही थी। आमदार अब्दुल सत्ता जो कांग्रेस पार्टी के बहुत पुराने राजनेता है, उनके पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को झटका लगेगा। उसके बाद अशोक राव चव्हाण का नाम आता है। उनकी एक ऑडियो क्लिप जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, वो ऑडियो क्लिप में कह रहे हैं कि मैं भी पार्टी छोड़ने के मूड में हूँ क्योंकि पार्टी के लोग मेरी सुनते नहीं। ये क्लिप दिल्ली तक पहुँचने के बाद आलाकमान दिल्ली के चंद्रपुर के उम्मीदवार का नाम बदलकर दूसरे उम्मीदवार को दे दिया गया। बाद में नांदेड़ से अशोक राव चव्हाण को कांग्रेस की उम्मीदवारी दी गई क्योंकि भाजपा सेना के लोहा के आमदार प्रताप पाटिल चिखलीकर वो नांदेड़ लोकसभा का टिकट देने से नांदेड़ के भूमिपुत्र अशोक राव चव्हाण ही प्रताप पाटिल को टक्कर देंगे, ऐसी चर्चाएं बहुत जोरों पर है। इस लोकसभा चुनाव 2019 में कौन बाजी मारेगा ये आने वाला वक्त बताएगा।